हाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। दिस इज़ अ केस ऑफ इलीगल सेल्स ऑफ गांजा एंड नारकोटिक सब्सटेंसेस MDMA, मीथिलेन डी ऑक्साइड मिथाइल एम्फेटामाइन, वेर इन द अक्यूज गोस्वामी आशीष गिर, सन ऑफ गोस्वामी राजू गिर, एज 24 ईयर्स, ऑक्यूपेशन वर्किंग इन क्लॉथ स्टोर, रेसिडेंस ऑफ ललिताबाग उपोगुड़ा हैदराबाद, इज सेलिंग द गांजा पर KG एट ₹15,000 एंड MDMA पर ग्राम एट ₹4,000 टू नोन और नीडी कस्टमर्स इन हैदराबाद सिटी। प्रीवियसली द अक्यूज गोस्वामी आशीष गिर वॉज अरेस्टेड इन 2 केसेस। ही वॉज रिमांडेड टू चंचलगुड़ा जेल वेर ही गॉट फ्रेंडशिप विद मिलन देबंत of Odisha district. He is a drug peddler. He brought the ganja from Odisha and sells in Hyderabad and KM@SayedSK@Babe, residence of Mumbai, who is also a drug peddler. He supplies the MDMA and other NDPA substances in Hyderabad. This report was covered by Mr. Muhammad Aslam Siddiqui. वैसे डिक्शनरी के साथ कोई सस्पिशियस जैसे लग रहा है। देखो बुक, ये पेंट है, थोड़ा गौर से देखेंगे तो पेंट है, पेजेस नहीं है। तो जब भी कोई भी है सभी आपके थ्रू सारी जो व्यूअर्स का हमारा रिक्वेस्ट है, वैसे भी लोग पकड़ के लेके घूम रहे हैं, आप कैसे भी इसी दिल्ली में कोई दिखेगा तो हमको प्लीज इंटीमेट कर लीजिए, तो हम एक्शन लेंगे और आप लोग जो भी हमको इंटीमेट देंगे उन लोग का भी नाम वाम तो कहीं बाहर नहीं आएगा एंड आप लोग भी बेटर सोसाइटी के लिए, ट्रक फ्री सोसाइटी के लिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सारी बात जरूरी नहीं इतना एक्सप्लेन करने का, आजी इतना एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं, छोड़ दीजिए। अलग अलग किट है, जो अलग अलग है सब, इसका बॉक्स से नाक से लेते, ये चमचा है एक्चुअली स्मॉल पॉड पाउडर रूपंलो ఉంటుంది MDMA, ఈచ్ గ్రామ్ 4000 కమ్ తా పెడ్లర్ ఆర్ సప్లయర్ కో పకడా తా ఇస్కా నామ్ హే గోస్వామి ఆశీష్ గిర్ ఇంకో యాక్చువల్లీ కల్ పకడా తే ఆజ్ ప్రొడ్యూస్ కర్ రహే జైల్ మే జుడిషియల్ రిమాండ్ కే లేకే జా రహే తే యే గాంజా ఆర్ MDMA మిథైల్ డయాక్సీ సారీ మిథిలిన్ డయాక్సీ మిథైల్ డైఅమ్ఫెటామిన్ MDMA एक सिंथेटिक ड्रग है ये, और गांजा ये लोगों को बेचते रहते हैं। ये एक्चुअली मंगलहाट में रहने वाले हैं, उसके बाद ये उपगोड़ा पे शिफ्ट हुआ, क्लॉथ बिजनेस पे भी काम करते नाम में। इसके पहले भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व थे, 49/2020 NDPS केस है मंगलहाट PS में, उसके बाद 169/2021 जो चारमार PS पे भी NDPS एक्ट में जेल गया, उसके बाद इसके ऊपर PDAC भी डाला, वो एक साल जेल पे रह के बाहर आए। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि जब जेल पे था, ये उड़ीसा के रहने वाला एक मिलान देवनाथ से मुलाकात हुई और उससे ये गांजा मंगाते, मिलान देवनाथ उड़ीसा से मलकानगिरी से गांजा बेचता यहाँ पे मंगाते थे, और MDMA के ये इसके बाद इसके सैयद सुजेस भावे मुंबई पर रहने वाले जो MDMA इनको सप्लाई करते हैं, ये गांजा को 8,000 पर किलो के हिसाब से खरीदते हैं और यहाँ पे 15,000 पे बेचते हैं। वैसे MDMA के वो ये 1,500 पे खरीदते हैं और 4,000 पर ग्राम के हिसाब से बेचते हैं। हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि इन्फॉर्मेशन पे जो ACP चेतना का चंद्रशेखर, इंस्पेक्टर चेतना का श्रीनिवास रेड्डी, SI त्रिमूर्तुलु और हेड कांस्टेबल कमर अय्या, वेंकटेश महदी, ये सभी लोग इनको पकड़ने में बहुत एफर्ट पुट इन किया। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के साथ कल दोपहर में 12:30 बजे के आसपास 12:30 फूड एजेंडा पे हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला था कि मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो व्हीकल चेकिंग किया था वहाँ पे फूड एजेंडा में, तो उस व्हीकल में 6.225 kg ऑफ गांजा मिला और तकरीबन 18.75 grams ऑफ MDMA मिला। तो पूरा मिलकर उसका तकरीबन इसका कीमत है 3,81,000, 3,81,000 का कीमत है ड्रग्स का जो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से उससे इनसे रिकवरी किया। साथ साथ उनके पास कुछ नया इक्विपमेंट पहली बार जो देखा हम लोग, स्नॉर्ट
स्नॉटिंग किट जिसे एमडीएमए ड्रग कंज्यूम करते हैं उसका भी किट, एक छोटा सा आपको लग रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है बल्कि ये किट है, इसके अंदर उसने अपना सामान पूरा रखा है, सारी सामान रखा है। तो ये लोग अलग तरीके से छुपाने के लिए कि इसीलिए कार्य करने के लिए सारी बनाया, ये भी हम लोग रिकवर किया उससे। जितना का पीएस में क्राइम नंबर 142 मतलब केस रजिस्टर किया 8C रेड विद 22C और 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट पे केस रजिस्टर किया इनके अगेंस्ट और इनके ऊपर एक्शन ले। मीडिया मित्रों के द्वारा हम सभी सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आजकल ये लोगों अलग अलग तरीके से ड्रग कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कभी भी इन्फॉर्मेशन आते तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन प्रदान कर दीजिए। जो कंज्यूमर से जो बच्चे उनके नशे पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन लोग को डी एडिक्शन कैंप हम भेज देंगे ताकि उन लोग सही होकर फिर नॉर्मल सोसाइटी पर आ जाएंगे। साथ साथ जो भी उनको सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि आपको पता है तेलंगाना गवर्नमेंट इसमें काफ़ी चीज़ें से विल गो टिल दी मैन्युफैक्चरर्स एंड उन लोग को भी पकड़ के आने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। छोटा छोटा ये MDMA जो ड्रग है ग्राम में उन पर बेचते हैं, बहुत कम गांजा को भी पैकेट बना के बेचते हैं और उनका कंज्यूमर का भी लिस्ट हम बना रहे। हेलो थैंक्स फॉर वॉचिंग ESBN न्यूज। Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to comment in the description box.